नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रविवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं राजस्थान 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में, यानी ये आज की आपकी आरबीएससी 10टीएच और 12टीएच रिजल्ट 2021 की क्या है लेटेस्ट अपडेट है, और राजस्थान बोर्ड क्या है जल्द ही जारी कर सकता है 10वीं का रिजल्ट, जाने लेटेस्ट अपडेट। तो अभी क्या सूचना एक जारी की गई है जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि आरबीएससी है वो जल्द ही अभी एक दो दिन में आपका रिजल्ट वो जारी कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आरबीएससी 10टीएच और 12टीएच का रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है वो कितने बजे जारी किया जाएगा, और आपको ये रिजल्ट है वो डाउनलोड कैसे करना है। रिजल्ट की जो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वैसे क्या इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट है वो टाइम टू टाइम पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है कि राजस्थान 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करने की तैयारियां वो तेज हो चुकी है। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से मिली ताजा जानकारी के अनुसार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर तैयारियां तेज कर दी है, वही स्तरांक पहले लिए जा चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि राजस्थान बोर्ड जुलाई के तीसरे सप्ताह में 10वीं के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर देगा। बता दें कि 10वीं परीक्षा में इस साल करीब 12 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं आरबीएससी 12वीं कक्षा के लिए भी करीब 9 लाख छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। यानी आरबीएससी 10वीं और 12वीं के कुल 21 लाख छात्र है वो अपने रिजल्ट के इंतजार में है। बात करें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम अगले सप्ताह वो जारी कर सकता है। राज्य शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन मानदंड जारी करते हुए एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया है कि आरबीएससी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है वो 45 दिनों में की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि 23 जुलाई 2021 तक रिजल्ट है वो जारी कर सकते हैं, यानी आपका 10वीं का रिजल्ट है वो 23 जुलाई तक आपका जारी किया जा सकता है। हो सकता है साथ में आपका 12वीं का रिजल्ट भी जारी कर दे। अभ्यर्थी आरबीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rajeducationboard.rajasthan.government.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें अगर रिपोर्टेड डेट के बारे में, तो आरबीएससी 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम और संभावित तिथि के बारे में, तो राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाए जाने की संभावना है, 23 जुलाई 2021 या उससे पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट आपको पता ही है, हालांकि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से भी क्या इसको चेक कर सकोगे। अगर बात करें 10वीं कक्षा के लिए मूल्यांकन मानदंड के बारे में, तो छात्र द्वारा आरबीएससी कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए 45 वेटेज दिया जाएगा। साथ ही कक्षा 9 की फाइल परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का 25% वेटेज दिया जाएगा, और रिजल्ट तैयार करने के लिए कक्षा 10 से लेवल केवल 10% ही लिया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स जैसे हैं वैसे ही क्या आपसे लिए जाएंगे, यानी आपका फॉर्मूला क्या है जो आपने 8वीं कक्षा में प्राप्त जो आपने प्रतिशत प्राप्त किए उसका 45%, और 9वीं की जो फाइनल परीक्षा में प्राप्त किए उसके 25%, और जो 10वीं के आपने जो क्या है प्रैक्टिकल मार्क्स है उनमें से क्या आपके सिर्फ 10% ही क्या अंक लिए जाएंगे। इस तरह से आपका रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान कब जारी होगा 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा परिणाम, यहाँ पढ़े क्या है लेटेस्ट अपडेट। तो ये अपडेट पढ़ने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्या राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट पढ़ सकते हो। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि राजस्थान बोर्ड का 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट वो कब जारी होगा, कितने बजे जारी होगा, और आपको डाउनलोड कैसे करना है आदि के बारे में छोटी जानकारी। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।